And sound therapy helps to balance all the issues. पर आगे जाके आपको प्यार में बढ़ना है, आपको सीक्रेट दे दूँ एक, प्यार में बढ़ना है, like a self assignment करना है आपको चाहिए। It's the connection with the GauMata. But the GauMata is the secret and she is the savior of the nation. अगर आप देख पाओगे, मैंने recently study भी की है, who initially initiated the freedom movement? सबसे पहले हम आते हैं मंगल पांडे के पास, है कि नहीं? अगर उनको ही कैसे पता चला कि हमें स्टार्ट करना है रिवॉल्ट? बिकॉज ही च्यूड दैट कार्ट्रिज विच वॉज मेड फ्रॉम गौ माता स्किन फ्रॉम द फैट. देन ही वॉज ओके टू सर्व ब्रिटिश टू फाइट अगेंस्ट द इन्वेडर्स. ही वॉज ओके टू डू दैट. बट जैसे ही गौ माता का विषय आया, इट ऑल स्टार्टेड टू हैपन. सो इनके आशीर्वाद है हमें, हमारे पास. हमारे अगर पुरखों ने गौ माता को दे रखा है हमारे घर पे, तो हमारा एक बॉन्डेज है, कर्म कर हम जो कर्म बोलते हैं ना, अटैचमेंट हम जो बोलते हैं, हमारे भूमि के साथ हमारा कर्म होते हैं, हमारे गौ माता के साथ कर्म होते हैं, तो अटैच्ड है. इसलिए हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी नहीं है. और ये सब शास्त्रों में लिखा है, अगर आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो गौ माता है, प्यार चाहिए तो गौ माता है. वो एक ही ऐसी अद्भुत मिराकुलस एनर्जी है. वो प्राणी नहीं है, वो प्राण है. वो एक मतलब ये नहीं है, वो क्या एक हम बोलते हैं जानवर नहीं है, वो जीव इटसेल्फ है विच गेट्स कनेक्टेड बिकॉज वो ही एक गौ माता है. उसके मल मूत्र से भी आप एनलाइटेंड हो सकते हो. एनलाइटेंड यू विल बी अवेकंड विद द गौ माता बिकॉज जहाँ पे वो शेन डालती है उसको गोचर कहा है हमारे संतों ने. गोचर मतलब क्या? अवेयरनेस. इसलिए आपने देखा होगा ऑल दी स्टोरीज ऑफ कृष्णा, हु इट इज एसोसिएटेड विद द गौ माता. ही यूज टू प्ले विद देम, ही यूज टू डांस इन देयर गोचर, इन द गोमूत्र, इन द गोबर, in the tup, in the dahi, in the chhas, with the milk. So yehi ek mata hai jo hamare sari cheezon ka take care karti hai. And if you see, in the ancient times, we always had a gau mata in each and every person's home. That was the big real prosperity. And that mata used to know ki kitna doodh dena hai. Wo change karti thi, epigenetics humne discuss kiya hai. तो उसका फ्लो चेंज होता था. द नंबर ऑफ पर्सन इन द हाउस करेक्ट वो मिल्क देती थी. अगर आज के डेट में क्या है, देसी काऊ दिखते ही नहीं है, है कि नहीं? गिर गाय दिखते नहीं है. यही है अब ये सीक्रेट है ये बहुत बड़ा, कि अगर आपको आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी लानी और आगे जाके एनवायरमेंट में, तो गौ माता इज द आंसर. इट इज द रियल आंसर. एंड वी आर इनिशिएटिंग विद अ प्रोजेक्ट ऑफ गौशाला. और जो हर्टेड गौ माता होती है, जर्सी भी या देसी भी, हमें उस मतलब गौ माता, ऑफकोर्स देसी का इसका टेक्नोलॉजी अलग है, मगर जो हर्ट है काउस, हम उनको उनके लिए भी गौशाला स्टार्ट कर रहे हैं इन दी फाउंडेशन. और हमारा ये जो वेलनेस वाइब है, वहाँ पे देख पा रहे हो वेलनेस के वाइब्स, सो वाइब्रेशन ऑफ दी वेलनेस. सो थ्रू दैट वी आर हेल्पिंग पीपल टू लर्न अबाउट दी साउंड थेरेपी, आयुर्वेदा विद दी नेवल एक्टिवेशन, डीएन एक्टिवेशन. और इसके पैम्पलेट से जिनको लेना है वो ले सकते हैं. और सीरीज है, आज डिस्काउंट ऑफर है, जिनको लेना है वो ले सकते हैं. एंड शिविर में आपको मैं जरूर बोलता हूँ, आइए अवेकंड हो जाइए. एक प्यार, एक हार्ट को फुलफिलमेंट आनी चाहिए ना, तो आपका जीवन वेस्ट है फिर. वेस्ट ही है ना, तो क्या करोगे आप आए हो तो एटलीस्ट थोड़ा एनलाइटन होके लोगों को मदद करके चले जाओ. तो वैसे कि वैसे ही आपको जीवन जीना, वो साइकिल है. इसलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि मरणम पुनरपि जननम. वो ही करते रहोगे आप लाइफ टाइम्स यू हैव बीन डूइंग दिस. बट द मोमेंट यू आर विद द गुरु, द मोमेंट यू आर कनेक्टेड विद द बोध, द अवेयरनेस, द मोमेंट यू आर कनेक्टेड विद द गौ माता, यू आर नॉट द सेम पर्सन अगेन, यू आर नॉट द सेम पर्सन अगेन. इसलिए आज के डेट में इतने एडिक्शंस क्यों है लोगों को? वो बोलते हैं कि गौमूत्र में बहुत स्मेल आता है. अरे अल्कोहल कैसे घुटक पाते हो फिर आप? उसमें तो स्मेल ज्यादा आता है, तो कैसे पी नहीं पाते हो? बिकॉज द गौमूत्र आपके 140 इलमेंट्स को ठीक करता है, 140 को बैलेंस करता है, और 70 को फॉर श्योर वो हील करता है.
बॉडी में कुछ भी पेन आया है, बॉडी में कुछ भी हो रहा है, आपके मेंटल इश्यूज, आपके हार्ट के इश्यूज, आपके रिप्रोडक्टिव इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज, ऑल गेट्स टेकन केयर विद गौमूत्र। अब ट्राई कीजिए ये, और जहां पे आपको सेवा का चांस मिलेगा उस सेवा करने के लिए आप कीजिए, आप डोनेशंस कीजिए। ये तो माइजर की तरफ हम जी पाते हैं, हमें डोनेशन नहीं करने को मतलब इच्छा होती है, बिकॉज इट्स अगेन जितना आप देते हो उतना आप मिलता है, ये बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं, जितना आप देते हो उतना आपको मिलता है, मगर किस प्रकार का डोनेशन। अब बोले मैं भिखारी को देता हूँ, वो सेवा नहीं होती है, वो सेवा नहीं है। सेवा हमेशा उच्च स्तर की होती है, जो हमारे से ऊंचे है। द रियल सेवा इट इज विद द पीपल हु आर हायर इन एनर्जीज विद अस, दैट्स व्हाई इन द आश्रम्स दे टेल अस टू डू द सेवा। फॉर हुम? नॉट फॉर आवरसेल्व्स, बट फॉर द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ योगा। Yes or no? Because the moment you are doing the seva for higher purpose, your vibration changes. The moment you do the seva for the cows, cow ek shabd nahi hai, gau mata hi shabd hai. So, jaise hi aap gau mata ki seva karte ho, aap evolved hote ho. Ye likh lena, evolved hi hote ho aap. Bas wo bhav se aana chahiye. Ye to aaj ke date mein bahut sare log bhi kar rahe hain seva na, to bhav se aana chahiye. And that is what the message is all about. To grow in love, to grow in awareness.